From being called Ranbir's ex-girlfriend by his family to being spotted partying with Salman's friends, वहीं किसने किया है कटरीना को बिग फिल्म्स के लिए फिर से रेकमेंड? Should Yulia get insecure about her boyfriend? ढेर सारी हेडलाइंस दिस वीक अबाउट कटरीना. No wonder she's a head turner of the week. सुनने में आया है कि अपने ब्रोकन हार्ट की वजह से कटरीना ने लूज किया है वेट और उनकी फिल्म जग्गा जासूस की कंटिन्यूटी में वो अलग लग रही हैं। वहीं कटरीना को मिला एक नया सेटबैक. कटरीना कैफ चाहती थी कि रणबीर के साथ उनका पैचअप हो जाए और इसके लिए वो जी तोड़ कोशिश भी कर रही थी, लेकिन द फाइनल ब्लो टू देयर पैचअप अटेम्प्ट वाज गिवन बाय डैड ऋषि कपूर, जिन्होंने कटरीना को अब रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कह डाला. कटरीना ने तो बनना ही था हमारा हेड टर्नर ऑफ द वीक. लुक एट द अमाउंट ऑफ न्यूज, हेडलाइंस एंड रूमर्स अबाउट कटरीना इन द लास्ट वन वीक. रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप के बाद कपूर फैमिली ने डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया था, लेकिन हाल ही में डैड ऋषि कपूर ने कहा कि रणबीर के अब तक दो रिलेशनशिप हुए हैं और दोनों को एक्ट्रेसेस थी. यानी क्लियरली डैड ऋषि ने दीपिका के साथ अब कटरीना को भी एक्स गर्लफ्रेंड्स क्लब में डाल दिया है. कटरीना के पैचअप अटेम्प्ट्स के लिए सेकंड ब्लो था जब रणबीर के बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी ने भी उनका साथ देने से इनकार किया. अपेरेंटली कटरीना वांटेड अयान टू प्ले द पीस मेकर बिटवीन देम, लेकिन अयान ने कटरीना के इस सजेशन को ठुकरा दिया. सो सैड, ये पैचअप अटेम्प्ट भी फ्लॉप हो गया. पास्ट में भी जब कटरीना रणबीर का पैचअप होता था या आर्ग्यूमेंट होती थी, रिपोर्टेडली कटरीना के वेलविशर्स ऐसी खबरों को अपेरेंटली लीक कर देते थे. अब जब भी कटरीना और रणबीर कहीं मिलते हैं तो बातें होती हैं लीक. कटरीना अपेरेंटली अब कबीर खान की फिल्म भी करने वाली हैं. क्या ये फिल्म के लिए सलमान ने किया है कटरीना को रेकमेंड? कटरीना ने ब्रेकअप के बाद तो सलमान के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत बना लिया है, एंड नॉट दैट शी इज डूइंग अ फिल्म विद हिम. और आजकल तो वो सलमान के फ्रेंड्स के साथ हैंग अराउंड भी करती है. अपेरेंटली सलमान की स्टेडी गर्लफ्रेंड यूलिया वेंटूर ने भी अपने एक पोस्ट में लिखा कि लव इज ब्लाइंड. तो क्या वो इनडायरेक्टली सलमान पर ताना कस रही थी या कटरीना की एंट्री होने से अपने रिलेशन स्टेटस को क्वेश्चन कर रही थी? She was spotted at a restaurant in Bandra with Salman's best friends. Of course, Salman नहीं थे, but that's enough for people to talk about. फिर उनके एक्स के डैड ने ये कह दिया कि शी इज हिज एक्स. फिर ये सुना कि कटरीना को दीपिका के बदले एक सलमान के ऑपोजिट प्रेस्टिजियस फिल्म मिल गई. एंड कटरीना हैज लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक. Got it.